अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों बाद फिर हम लोग मिले। आज हम लोग बटरफ्लाई इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 रिवीजन लेसन को देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे साल आप ई लर्निंग से फायदेमंद हो सकें और अपनी तालीम के मामले में अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपने बुक बटरफ्लाई पे पेज नंबर 1 खोलें। ये पेज नंबर 1 है आपका, देख रहे हैं पेज नंबर 1। आपको रिवीजन लेसन आज इस वीडियो में कराया जा रहा है। रिवीजन लेसन में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, लेट्स रीड, रीड एंड एंजॉय दिस कॉमिक स्ट्रिप। एक नंबर में है आपका, ये कहानी है, कहानी में बच्चा है और दादी माँ है। बच्चा उसे कहता है कि कहानी सुनाइए, दादी माँ उसे कहानी सुनाती है और कहानी में वो ख्वाब में परी को देखता है, कुछ बातें होती हैं परी से। उसकी कहानी को हम लोग अभी रीड आउट करेंगे, समझेंगे। टेल मी ए स्टोरी ग्रैंडमा, ओके। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है ओके, टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ एन एंजल। तुम्हें आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी परी के बारे में। कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एंजल विद ब्राइट विंग्स। चमकीली परी का पर होता है ना, तो उसका पर चमकीला था। बच्चा कहता है ओ। आगे हम लोग देखते हैं, हु टुक लिटिल चिल्ड्रेन ऑन ए टूर ऑफ स्काई इफ देवर गुड। जो बच्चे अच्छे होते हैं उसे परी आसमान का सैर कराती है, टूर ऑफ स्काई, ओके। इतने में बच्चे को नींद आने लगती है, देख रहे हैं यहाँ पे जेड बना है, अब बच्चे की आंखें भी बंद है। बच्चा कह रहा वाओ, आई कैन एक्चुअली सी द एंजल। अब बच्चा हकीकत में ख्वाब में हकीकत में सो चुका था, लेकिन ख्वाब में वो परी को देख रहा था। आगे देखते हैं हम लोग, यू विल टेक मी ऑन ए टूर ऑफ स्काई। बच्चा कह रहा है ख्वाब में परी को, क्या आप मुझे ले जाएंगी आसमान के टूर में। परी कहती है यस आई विल सिंस यू हैव बीन गुड, अगर तुम अच्छे हो तो मैं जरूर तुम्हें ले जाऊंगी। उसके बाद बच्चा देखता है व्हाट स्पार्कलिंग स्टार, चमकते हुए सितारे को, व्हाट अ ब्राइट मून, चमकीला चांद को, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी। बच्चा कहता है कि इस तरह का खूबसूरत मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा, ग्लैड यू लाइक इट। आगे हम लोग 7 नंबर में देखते हैं, व्हाट अ कैल्म फेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल। ये सब बच्चा परी के बारे में कह रहा है, शी लुक्स एज गुड एज माई मदर, वो मुझे बहुत अच्छी देखने में लगती है जैसे कि मेरी दादी माँ है। इतने में वेकअप, बच्चा उठ जाता है, इट्स डॉन, वो नीचे है, टाइम फॉर आवर मॉर्निंग वॉक। उसके दादा आते हैं, दादा के बच्चे को उठा देते हैं और बच्चा जब उठता है तो देखता है ओ इट्स डॉन, मैं अभी नीचे हूँ आसमान पर नहीं गया। टाइम फॉर आवर मॉर्निंग वॉक, बच्चा क्या मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है। ओ ग्रैंडफादर, सो ऑल ऑफ इट वाज ए ड्रीम, ये सारे ख्वाब थे। यानी कि बच्चे को ख्वाब बहुत पसंद आया। अब हम लोग एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी वन में लेट्स डू है। एक्टिविटी वन, ग्रैंडफादर राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स सेंटेंसेस इन द गिवन बॉक्सेस। एक नंबर में,
हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद अगर ट्रू स्टेटमेंट रहा तो या ट्रू सेंटेंस रहा तो टी लिखना है, यहाँ पे टी आपका लिखा है, और गलत रहा तो फॉल्स। तो एक नंबर में हम लोग देख रहे हैं, ग्रैंडफादर टोल्ड द बॉय ए स्टोरी, नो ग्रैंड मदर ने कहानी सुना रही थी, यहाँ पे फॉल्स होगा। ओके आगे दो नंबर में हम लोग देखते हैं, द बॉय फेल एस्लीप वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, बच्चे को नींद आ गई थी कहानी सुनते सुनते, यस ट्रू। आगे हम लोग देखते हैं तीन नंबर में, द एंजल्स फेस लुक लाइक द फेस ऑफ चाइल्ड मदर, नो यहाँ पे ग्रैंड मदर था है ना बुक में, तो ये फॉल्स होगा। आगे देखते हैं चार नंबर में, The boy woke up at the call of his grandfather. Yes, grandfather ने आवाज़ दिया था उसे morning walk के लिए, तो यहाँ पे T लिखेंगे। Okay, पहला वाला F, दूसरा वाला T, फिर F, फिर T। इस तरह हम लोगों ने activity one को complete किया। आगे हम लोग देखते हैं B। B में आपका है answer the फॉलोइंग क्वेश्चन जो आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक नंबर में, ए में, हाउ डिड ग्रैंड मदर डिस्क्राइब द एंजल, ग्रैंड मदर बच्चे को कहानी सुना रही थी, तो कहानी में बच्चे को ग्रैंड मदर ने एंजल के बारे में क्या बताया, तो उसका जवाब है ग्रैंड मदर डिस्क्राइब द चाइल्ड दैट द एंजल हैड ब्राइट विंग्स। ओके चलिए बी नंबर देखते हैं, Why do the angels take children on a tour? बच्चे को टूर में क्यों ले जाया करती थी एंजल, इसका जवाब है If the child were good, he the angel took them on a tour to sky. बच्चे जो अच्छे होते हैं, जो पसंदीदा होते हैं, उन्हें वो टूर पर ले जाती है। What were the beautiful things the boy saw in his dream? आंसर होगा इसका द बॉय saw इन हिज ड्रीम स्पार्कलिंग स्टार्स एंड ब्राइट मून है ना। डी नंबर में हम लोग देख रहे हैं, व्हाट डिड द बॉय अंडरस्टैंड व्हेन ही वोक अप, अचानक ख्वाब से बच्चा उठ जाता है और क्या देखता है और वो क्या समझता है, द बॉय अंडरस्टूड दैट ही हैड ड्रीम्ड ए ड्रीम, बच्चा समझता है कि वो ख्वाब में था और एक ख्वाब देख रहा था जब वो जगा है ना, उसके दादा आ गए और उसे उठाए। तो कहानी मजेदार थी, इसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग एक्टिविटी 2A के जानिब चलते हैं। एक्टिविटी 2 क्या है, सॉरी, मैच द एनिमल विद देयर यंग वंस एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन बॉक्स। ओके तो यहाँ पे आपको है, ये तो नक्शा समझ रहे होंगे, डक है, टाइगर है, हॉर्स है, काउ है, पिग है, ये सारे बच्चे हैं, नहीं सॉरी, ये सब जानवर एनिमल है। ओके और इनके यंग वंस को हम लोगों को बताना है। ओके ये उनके बच्चे हैं, ये बच्चे हैं पिगलेट, कब, काल्फ, डकलिंग, ये बच्चे हैं, इनके जो यानी के एनिमल हैं उनका नाम हम लोगों को बताना है, पेरेंट्स। ओके तो बताइए यहाँ पे कॉल्ट है, तो यहाँ पे हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट कहते हैं। ओके यहाँ पे हम लोग HORSE हॉर्स लिखेंगे। ओके चिक, चिकन का नाम सुना होगा आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, हेन, मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं। पिगलेट, यहाँ पे पिग देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पिग है, PIG। ओके CUB है ना, यहाँ पे CUB कब, टाइगर के बच्चे को कहा जाता है, TIGER। ओके कार्प,
ये किसको कहते हैं हम लोग, आपके गाय के बच्चे को, सी ओ डब्ल्यू, डकलिंग डक, डी यू सी के। ओके, एक बार और ऊपर में इंस्ट्रक्शन को देख लें, मैच द एनिमल विद देयर यंग वन। ओके, हाँ, एनिमल को उसके बच्चों के साथ मैच करना था, जिसे हम लोगों ने मैच किया। अब हम लोग एक्टिविटी 2B के जानिब चलते हैं। एक्टिविटी 2B में क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द एडल्ट एनिमल्स और बर्ड्स, एडल्ट एनिमल जो बड़े हैं। ओके, यहाँ भी बच्चे का, यहाँ भी बच्चे का ऑप्शन दिया हुआ है, बड़े का नाम लिखना है, यानी कि एनिमल का नाम लिखना है या पेरेंट्स का नाम लिखना है। वन इज डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है डॉग, पपी बच्चा है किसका, डॉग का। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं किटन, किटन किसका बच्चा होता है। ओके, किड बकरी के बच्चे को हम लोग किड कहते हैं। लैम्ब शीप, एस एच डबल ई पी शीप। ओके, कब, यहाँ पे हम लोग ऊपर में भी देखा है टाइगर। ओके, इगलेट है ना, ये आपका ईगल है ना। इस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी 2B को भी कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग एक्टिविटी 3A के जानिब चलते हैं, मैच ग्रुप ए विथ ग्रुप बी। आप लोगों ने मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर का नाम सुना होगा, आज हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में मैस्कुलिन जेंडर लिखा है, देख रहे होंगे आप, और ये आपका फेमिनिन जेंडर है। ओके, तो हॉर्स मैस्कुलिन हुआ, तो इसका फेमिनिन क्या है। ओके, इसका फेमिनिन आपका मेयर हुआ, एम ए आर ए। ओके, टाइगर का क्या होता है आप लोग जानते हैं, टाइगर का टी आई जी आर ई डबल ए, टाइगर। डॉग का बी आई टी सी एच, कुतिया। ओके, और आप यहाँ पे काव देख रहे हैं, काव फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, ऑक्स बैल। हेन का आप लोग बोलिए, मुर्गी का होता है आपका कॉक, सी ओ सी के कॉक। क्वीन का किंग होगा। ओके, वूमैन, एम ए एन मैन। डक का होगा ड्रैक, डी आर ए के ई। ओके, अब यहाँ पे लास्ट बचा है गूज, गूज का होगा आपका पीहेन। ओ सॉरी, पीहेन आपका इसका होगा, पी ई ए एच ई एन, पिकॉक, मोर का पीहेन। ओके, और गूस का आपका होगा, ये मिटा दिया जाए। गूस का होगा आपका
जी एन डी ई आर, जेंडर। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर को कंप्लीट किया। अब हम लोग एक्टिविटी 3B में आ रहे हैं। एक्टिविटी 3B में अपोजिट आपसे पूछ रहा है, ये देखिए आप लोग एक्टिविटी 3B में अपोजिट अपोजिट जेंडर। ओके, तो हम लोग अपोजिट जेंडर जेंडर अभी करेंगे। ग्रैंड मदर, अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का क्या होगा देखिए, मदर को अगर हम लोग यहाँ से काट देते हैं, यहाँ पे फादर लिख देते हैं तो हो जाएगा। ओके, ग्रैंडफादर। मदर का क्या होता है आप लोग जानते हैं, फादर। फादर। ओके, अब यहाँ पे फादर है तो ये क्या होगा, MOTHER मदर। यहाँ पे ब्रदर है, ब्रदर का क्या होता है आप लोग जानते हैं, SISTER सिस्टर। ओके, मेल का FEMALE फीमेल। ओके, सर का मैडम। ओके, अब यहाँ पे ही है, ही का क्या होता है आप लोग जानते होंगे, शी। मैन का वो मैन। ओके, इस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी 3B को कंप्लीट किया। ओके, अब हम लोग लेट्स टॉक के जानिब चलेंगे। सिट इन ग्रुप ऑफ फोर, योर टीचर इज योर क्विज मास्टर। ओके, यहाँ पे हम लोग आप सिट इन ग्रुप ऑफ फोर, योर टीचर इज योर क्विज मास्टर, इसे आप अपने क्लास में भी कर सकते हैं, यहाँ भी करा दिया जा रहा है। ही शी विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, आपके उस्ताद आपसे पूछेंगे स्कूल में, व्हाट इज द कैपिटल कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता इज द सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, यहां से पुलिस शॉप हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, DELHI। ओके, यहां पे पुलिस स्टॉप। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सफर पे, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, वाट को काट दिया, यहाँ पे पटना, PATNA, पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क को हटा दिया, ये फुल स्टॉप हो गया। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, विच स्टेट हैज रांची एज द कैपिटल, यहाँ पे होगा आपका झारखंड हैज रांची, यहाँ पे झारखंड लिखेंगे, JHAR है ना, KHANDI झारखंड। ओके, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप। कैन यू से विच स्टेट हैज मुंबई एज इट्स कैपिटल सिटी। ओके, तो यहाँ पे होगा महाराष्ट्र हैज मुंबई एज इट्स कैपिटल, यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र लिखेंगे।
ये इतना आपका कट जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये फुल स्टॉप हो जाएगा महाराष्ट्र, एम ए एच ए आर ए एस एच आर ए, ओके महाराष्ट्र, ओ सॉरी एम ए एच ए आर ए एस एच टी, ओके कैन यू से विच स्टेट हैज मुंबई एज इट्स कैपिटल सिटी, महाराष्ट्र हैज मुंबई एज इट्स कैपिटल सिटी, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल सिटी क्या है, तमिलनाडु का कैपिटल सिटी चेन्नई, व्हाट को काट दिया यहाँ पे चेन्नई, सी एच ई डबल एन सी एच ई डबल एन ए आई, ओके चेन्नई, आगे देखते हैं हम लोग, हैदराबाद इज कॉल्ड द इज कॉल्ड चार मीनार सिटी, कैन यू से वेयर हैदराबाद इज सिचुएटेड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तेलंगाना, ओके हैदराबाद कहाँ पे सिचुएटेड है, तेलंगाना, टी आई एल ए एन जी ए एन ए, ओके तेलंगाना, राइटिंग बहुत सही नहीं हो रही है, एक मिनट सॉरी टी ई एल ए एन जी ए एन ए, ओके तेलंगाना, आगे हम लोग देखते हैं विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी, यहाँ पे विच सिटी हटेगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जयपुर, जे ए आई पी यू आर, ओके इस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी लेट्स टॉक को कंप्लीट किया, अब हम लोग एक्टिविटी फोर में आते हैं, मैच ग्रुप ए विथ ग्रुप बी, वन इज डन फॉर यू, ओके ये हम लोग आज देखते हैं, मिशन, मिशन क्या करता है, मिशन मेक हॉल्स, ओके ये आपका कंप्लीट किया हुआ है, पोटर, पोटर क्या करता है, इसे हम लोगों को देखना होगा, है ना, कैरीज गुड, कहाँ पे पोर्टर जो होता है, ओके डॉक्टर, डॉक्टर आपका लुक्स आफ्टर पेशेंट, ये आपका डॉक्टर का काम है, ओके सोल्जर फाइट इन वॉर, बार्बर, बार्बर आपका ये है आपका यहां से आएगा, उसके बाद है आपका कॉबलर, कॉबलर आपका रिपेयर शूज, मोची जिसे कहते हैं, पोटर आपका एक, पोटर आपका यहां से जाएगा
मेक अर्देन पॉट्स। ओके पोस्टमैन, पोस्टमैन आपका पोस्टमैन, हाँ पोस्टमैन का आपका यहाँ पे डिलीवर लेटर। ओके कारपेंटर, कारपेंटर आपका मेक चेयर एंड टेबल। ओके और टेलर, टेलर आपका क्या करता है वो आपको पता होगा, स्टिच क्लॉथ। एक छूट रहा है पायलट, ये देखिए पायलट, पायलट आपका ड्राइव एरोप्लेन। ओके अब हम लोग एक बार इसे समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। ओके मिशन जो है मेक हाउसेस। ओके पोटर आपका कैरीज गुड, डॉक्टर लुक्स आफ्टर पेशेंट, सोल्जर फाइट इन वार, बार्बर ड्राइव्स सॉरी बार्बर बार्बर कट्स हेयर, पायलट आपका ड्राइव्स एरोप्लेन और कॉबलर आपका रिपेयर शूज, पॉटर मेक अर्देन चेयर्स एंड टेबल, वॉशरमैन यहाँ पे छूट रहा था, वॉशरमैन का देखिए ऊपर में ऑप्शन है, वॉश क्लॉथ। ओके कारपेंटर हुआ, टेलर आपका स्टिच क्लॉथ। इस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी 4 को भी यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्टिविटी 5 देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, दूसरे वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 5 से आएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, थैंक यू।